सांड की आंख की स्क्रीन प्ले राइटर बलविंदर सिंह जंजुआ ने डायरेक्ट किया हुआ कैट नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज से रणदीप हुड्डा ओटीटी में पहली बार एंटर कर रहे हैं। कैट एक क्राइम थ्रिलर है जो पंजाब के कातिल और करप्शन और डिफरेंट टाइम जोन को दर्शाती है। सीरीज एक इनोसेंट सिक टीनेजर गैरी की है, हु इज प्लेड बाय रणदीप हुड्डा, जो एक ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, गैंग लॉर्ड्स एंड पॉलिटिकल पावर्स के बीच में फंस जाता है। जब उसके पेरेंट्स गेट किल्ड बाय टेररिस्ट, वो पुलिस इन्फॉर्मेंट बन जाता है, जिसे कैट बोलते हैं। सीरीज को पंजाब के डिफरेंट फेजेस में दिखाया गया है। जब पंजाब में इंसर्जेंसी खत्म हो जाती है, गैरी अपनी आइडेंटिटी छुपा के एक नया नाम गुरुनाम अपने भाई और बहन के साथ रहता है। जब उसका भाई सनी अरेस्ट हो जाता है फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, गुरुनाम को दोबारा पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है अपने भाई को बचाने के लिए, और इन एक्सचेंज पुलिस फोर्स करती है हिम टू जॉइन अ मिशन टू वाइप ड्रग्स फ्रॉम पंजाब। क्या गुरुनाम इन कार्टेल में घुसकर अपने भाई और पंजाब को ड्रग्स से मुक्त कर पाएगा? ये पता करने के लिए आपको 8 एपिसोड्स देखनी पड़ेगी, जहां हर एक एपिसोड 45 मिनट्स की है। इस शो की यूएसपी ये है कि इट अंडरस्टैंड्स द एंटायर सेटिंग ऑफ पंजाब, द लैंड एंड इट्स कैरेक्टर्स आर डिपिक्टेड क्वाइट वेल, एंड इसकी डायलॉग्स भी पंजाबी में हैं, व्हिच मेक्स इट मोर बिलीवेबल एंड रियल फॉर द ऑडियंस। ऊपर से रणदीप हुड्डा की पंजाबी डिक्शन बहुत ही फ्लॉलेस है, एंड ही ब्रिंग्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। रणदीप हुड्डा हर एक फ्रेम में अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। आपको बता दें, सीरीज बहुत ही डार्क है, विद ब्रूटल किलिंग एंड वायलेंस। ये सीरीज बहुत सारे टॉपिक्स को टच करती है, द इंटरनल सिचुएशन ऑफ पंजाब, ड्रग कल्चर, खालिस्तान मूवमेंट, कास्टिज्म एंड सोशियो पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द स्टेट इन डिफरेंट डायनामिक ज़ोन्स। और इसी कारण कैट बिल्कुल भी सटल नहीं है इन शोइंग द रियलिटी, जो आजकल की इंडियन वेब सीरीज में कम देखने को मिलता है। सीरीज की स्टोरी सेम ओल्ड प्रेडिक्टेबल है, बट द कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्क्रीन टाइम गिवन टू ईच कैरेक्टर इज ह्यूज इन दिस सीरीज। कोई एपिसोड्स में तो रणदीप हुड्डा की बहुत ही कम स्क्रीन स्पेस है, विच मीन्स डायरेक्टर हैज गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द स्टोरी ड्रिवन कॉन्टेंट इंस्टेड ऑफ हीरो ड्रिवन content. Like any other spy thriller, series की action sequence well choreographed है, और special mention to Punjabi songs जो background में चलता है, which adds energy to the series. And the performance of each and every actor is so good and real. Geeta Agarwal as Madam Olak was so real and captures body language and right attitude of a politician. And my favorite was Ladi, जो एक sports person है, who is a part of cartel and excels in showcasing the emotional side of the character having a negative shade. Cat की स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स, इंटेंस ड्रामा और इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट, एंड इसी वजह से आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइस टू वॉच दिस सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। एंड आपको बता दें, इसकी क्लाइमैक्स में एक क्लिफहैंगर मोमेंट है, जो ऑडियंस के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट होगी। दैट्स इट फॉर नाउ, एंड फॉर मोर सच रिव्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल टीपॉट टॉकीज। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर द नेक्स्ट रिव्यू इज लाइव। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, Facebook and Twitter at Teapot Talkies, where you get daily updates on the world of entertainment. Thank you for watching.